दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और ये सीबीएसई 2015 सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अक्सर हमने देखा है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विश्वास कीजिए ये सिर्फ लैंग्वेज को समझने की बात होती है, बाकी इक्वेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे समझा जाए और कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो इस सवाल में इट सेज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। सो कीवर्ड्स क्या है हमारे इस क्वेश्चन के, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो एक फ्रैक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, और न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। तो हमारा एक न्यूमरेटर हो गया मान लीजिए x बाई वाई, और इसमें कह रहे हैं कि न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। तो कहने का मतलब अगर x न्यूमरेटर है और ये 3 लेस देन डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है x से, तो क्लियरली मेरा न्यूमरेटर हो गया x एन एक फ्रैक्शन हो गया x एन x अपॉन x प्लस 3। ओके, नाउ इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20, सो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, वेरी गुड। सो हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल सॉल्यूशन। सो अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है एग्जाम में तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे विथ अजम्पशन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। ओके, ये हमने पहला एक वेरिएबल ले लिया, देन द डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू और वुड बी इक्वल टू नथिंग बट एक्स प्लस 3, why? Because numerator of a fraction is 3 less than the denominator. In other words, denominator is 3 more than the numerator. Then, original fraction will be simply x upon x plus 3. दोस्तों याद रखिए हर एक स्टेप में आपको मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई के एग्जाम में, सो स्टेप्स पे ध्यान दीजिए और जितनी ज़्यादा आप स्टेप्स लिख पाएं डिस्क्राइब करते हुए, एग्जामिनर को उतनी सहूलियत होती है आपका सॉल्यूशन समझने में और उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी अवॉर्ड किया जाता है। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज एक्स बाई एक्स प्लस 3। अब क्या कह रहा है सवाल, दूसरे लाइन में कह रहा है टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो न्यू फ्रैक्शन इज नाउ वॉट, द फ्रैक्शन विल चेंज, फ्रैक्शन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 प्लस 2, सिंप्लीफाई करके आप लिख देंगे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5। अब इंफॉर्मेशन क्या है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। चलिए इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन मतलब सम मतलब प्लस न्यू फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन क्या था, x प्लस 2 बाई x प्लस 5 एंड द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल क्या था, x बाय x प्लस 3। नाउ दिस इज इक्वल टू, दे आर सेइंग 29/20। जहां आपने ये इक्वेशन लिखी आपका आधा काम समाप्त हो गया। इस पे भी आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगा, अगर आपने यहां तक भी सही सही लिख दिया तो इस पे भी मार्क्स मिलते हैं। अब होगा नेक्स्ट स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, जो आप बहुत बारी कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सो इसमें हम पढ़ चुके हैं पहले, ये दो फ्रैक्शन है तो एलसीएम रूट लेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस 5 और x प्लस 3 एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढते हैं जिसमें दो डिनोमिनेटर x प्लस 5 और x प्लस 3 है। सो कॉमन डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 से आपने ये कर दिया, एलसीएम ले लिया दोनों डिनोमिनेटर्स का। अब पहले वाले टर्म में x प्लस 2 ऑलरेडी था,
इसमें क्या मिसिंग है डिनोमिनेटर में, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री. सो आप नए डिनोमिनेटर को पुराने डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो बचेगा ऊपर लिखेंगे. सो x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव इज एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स प्लस थ्री. सो ऊपर आ गया x प्लस थ्री. फिर से इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें. तो न्यूमरेटर हमने पहले लिख रखा है, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री को x प्लस फाइव से डिवाइड किया, तो रिमेन ये क्वेश्चन मिल गया x प्लस थ्री, वो हमने यहाँ लिख दिया. ये तरीका हम इधर भी लगाएंगे, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री को x प्लस थ्री से डिवाइड कर दिया, क्या बच के मिल गया x प्लस फाइव, वो हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. यही है फ्रैक्शन से डील करने का तरीका. सो 29/20, चलिए देखें आगे क्या. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो एक्सपेंड करते हैं. सो ऊपर न्यूमरेटर में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर्ड एक्स इंटू थ्री, सो थ्री एक्स, टू इंटू एक्स, सो टू एक्स प्लस सिक्स. जो बहुत सारे सवाल लगा चुके होंगे उनको पता होगा, इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं. x जब आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, तो आइडेंटिटी भी आपने पढ़ा होगा, उसको एक्सपेंड करने का तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. सो आप डायरेक्ट लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस टू एन प्लस थ्री फाइव एक्स प्लस टू इंटू थ्री सिक्स, जो आपको अभी यहाँ दिख रहा है. खैर आगे देखते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इसको आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन से, इसका ये हो गया 29/20. ओके अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर. तो एक्स स्क्वायर एक है, ये दो एक्स स्क्वायर हो गया, सो टू एक्स स्क्वायर. अब तीन प्लस दो पाँच और पाँच दस, सो टेन एक्स, टेन एक्स और क्या सिक्स, बस दैट्स इट, सिक्स ओनली. सो प्लस सिक्स डिवाइड बाय यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, दिस इज इक्वल टू 29/20. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 20 इंटू टू एक्स स्क्वायर्ड, टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस टेन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन. ठीक है अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए. सो 40 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 20 200 एक्स प्लस 6 इंटू 20 120, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 29 एक्स स्क्वायर्ड, देन व्हाट 29 इंटू 8, सो 8 नाइन जा 72, 7, 8 टू जा 16 प्लस 7, 232 x. फिर से देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए आपको 29 मिल रहा है कि नहीं 8 से. सो 8 टू जा 16, सो 2 और 72, 8, 9 जा, सो 232 इज करेक्ट. देन व्हाट 29 इंटू दिस वॉज 15, सो 15 नाइन जा 135, कैरी 13, 15 टू जा 30 प्लस 34, 35 इट विल बी. डिवाइड करके देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट सही निकाला कि नहीं आपने. सो 435 को 15 से डिवाइड कीजिए, तो 15 टू जा 30, सो 2, 13 इज द रिमाइंडर, सो 135, 15 नाइन जा 135, परफेक्ट, राइट. अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. 40x स्क्वायर और 29x स्क्वायर को आप जब एक साथ लिखेंगे, तो 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर होगा. अच्छा फिर 200x माइनस 232x एंड वॉट प्लस 120 माइनस 435 बराबर जीरो. सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. सो ये हो गया 11x स्क्वायर, 40 माइनस 29 इज 11, 200 माइनस 232 इज माइनस 32x, नो प्रॉब्लम. एंड हियर माइनस 435 माइनस ये हो बच जाएगा 315, है ना. सो 315 35 में से 20 गए 15, माइनस 315 करेक्ट, इट इक्वल्स, दिस इक्वल्स जीरो. अब ये इस स्टेप पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जा रहे हैं सॉल्व करने, जिससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो ये एक अलग माइलस्टोन बन गया, इसको भी इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही से इक्वेशन
लिखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करें। एक तरीका है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि अगर आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें तो आसान होता है। सो 11 × 315, और जनरली सीबीएसई की परीक्षाओं में आप देखेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से काम चल जाता है। सो 11 × 315, ये है ए सी हमारा, ए ये था ए, ये सी है। सो बेसिकली हमें -11 × 315, तो -32 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट, उन दो स्प्लिट्स का प्रोडक्ट 11 × 315 हो। सो 11 × 315 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो बेसिकली इट इज 11 × 5 से अगर देखा जाए तो × 6 and 63, राइट। सो ये 11 × 5 = 63, और अगर इसको आप देखें तो इसको और स्प्लिट कर सकते हैं, ये हो गया 9 × 7 है जी। सो अगर आप अभी देखें, अब somehow मेरे को -32 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यही फैक्टर्स से इनको इनको इन फैक्टर्स को सेग्रीगेट करके दो फैक्टर बनाएंगे जिसका सम -32 होना चाहिए। तो अगर आप देखें 9 × 7 = 63 एंड 11 × 5 = 55, ये आपको -32 नहीं देगा, -55 and 63, ये दो फैक्टर्स हो गए इसके, लेकिन -55 + 63 = 12, तो ये आपको काम नहीं देगा, आपको थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा चाहिए। हाँ दोस्तों, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन है जो आपको मदद कर रहा है, वो है -11 × 7 = 77 एंड बाकी 5 × 3 × 3 विच इज 45। सो अगर आप देखें ये -77 होगा, सो और ये माफ़ कीजिएगा, ये 45 होगा, ये 45 है, ठीक है। सो -77 + 45 अगर आप देखें, इन दोनों का जोड़ -32 ही आता है, तो आपको मिल गया 77 और 45, इसमें आपको स्प्लिट करना है। अच्छा चलिए देखें आगे। हाँ, इसमें थोड़ा आपको ट्रायल एंड एरर इन्वॉल्व है, बट थोड़े एक्सपीरियंस है आपको समझ में आ जाता है, दो तीन कॉम्बिनेशन आप ट्राई करेंगे तो आपको वो स्प्लिट मिल जाता है। सो हमने क्या देखा, हमने देखा इसको स्प्लिट कर सकते हैं 11 square - 77x + 45x - 315 = 0। चलिए अब 11 को कॉमन ले लेते हैं, 11x कॉमन है, सो x माइनस सेवन प्लस 45 कॉमन है, x माइनस सेवन ही होगा। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, 75 = 35 कैरी 3, 74 = 28 प्लस 3 = 31, सो ये सही है, इक्वल्स 0। सो हेंस x माइनस 7 × 11x + 45 = 0। ओके, सो हेंस व्हाट विल आई गेट, ईदर दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू -45/11। नाउ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे थे, इसीलिए x इक्वल्स टू -45/11 x कैनॉट बी न्यूमरेटर, बिकॉज न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इंटीजर होना चाहिए। सो x बराबर 7 इज द राइट सॉल्यूशन। सो इफ x इज 7 देन x प्लस 3 इज 10, सो माई ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/10, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इतना आपने लिख दिया और आपको फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए, अगर आपने किसी भी स्टेप में कोई और गलती नहीं करी है। तो आपको अगर चेक करना है तो क्विकली हम इसी जगह पे, वहाँ पे आप रफ में चेक कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में, बट यहाँ पे हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या हमने सही उत्तर निकाला है। सो लेट्स चेक इट हियर। सो क्या है, 7 राइट, 7 x इज 7, तो चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। तो एल एच एस क्या हो गया आपका, 7 + 2 / 7 + 5 + 7/10, यही है। दिस इम्प्लाइज ये कितने के बराबर है, ये है 9 / 12 + 7/10, ठीक है 60। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 9 × 5 = 45 + 7 × 6 = 42, सो आपको मिलता है 87/60। 3 इसमें कॉमन है तो आपको मिलेगा 29/20, सो जो कि आरएचएस के बराबर है।
दैट मीन्स कि हमने जो सवाल लगाया ये सही लगाया, उत्तर है फ्रैक्शन की वैल्यू है 7/10। धन्यवाद।